Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you? Okay, so I am going to teach you today some important parts of grammar. ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि वह पार्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में आता है. हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें वो देखना पड़ता है कि जो जरूरी क्या है वो हम सबसे पहले पढ़ें. जैसे कि हम देखते हैं आर्टिकल. ठीक है, आर्टिकल, जनरली आर्टिकल्स आप पढ़ चुके हैं, उन्हें भी पढ़ा है तो हम फिर भी पढ़ लेंगे. आर्टिकल भी हमारी परीक्षा में आते हैं और आर्टिकल का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है. कितना आता है? एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल का. फिर हम बात करें डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स को बोलते हैं निर्धारक, ये भी एक ही आता है. डिटर्मिनर्स एक या दो आ सकते हैं, बाकी एक ही आता है. फिर हमारा आता है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी एक आएगा या दो आएंगे, क्योंकि पांच नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, प्रीपोजिशन एक आएगा. फिर उसके बाद हम बात करें तो आता है वर्ब, वर्ब अरेंजमेंट, ये भी एक नंबर का आएगा. मतलब वहां पे आपको दिया रहेगा और आपको कोई एक वर्ब यूज करना पड़ेगा उसमें. समझ गए? वर्ब अरेंजमेंट कहते हैं इसको, एक वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा. फिर आपका आएगा एक क्वेश्चन मॉडल का. ठीक है, एक क्वेश्चन मॉडल का आएगा, उसमें आपको मे कैन कुड शुड विल वुड माइट ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा. समझ गए? तो एक आपका आता है मॉडल का. अब होगा एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच हो गए, पांच. ये पांच नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं. अब सोचो कि पांच नंबर के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ता है. एक नंबर के लिए पूरे आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, एक नंबर के लिए पूरे डिटर्मिनर्स पढ़ना पड़ेगा और प्रपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, वर्ब्स पढ़ना पड़ेगा, मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन एक बात है, एक नंबर की बड़ी महत्वता भी है. ऐसा नहीं है कि एक नंबर कुछ भी नहीं है, एक नंबर बहुत कुछ है. अब फिर आते हैं आपके डूएस डायरेक्टेड. यहां लिख दे रहे हैं क्या आते हैं? डूएस. अब बच्चे पूछते हैं सर ये डूएस डायरेक्टेड क्या होता है, हर एग्जाम में आते हैं, आते ही नहीं आते. डूएस डायरेक्टेड का मतलब होता है, डू का मतलब होता है करो, एज मतलब जैसा, डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया गया है. ठीक है, वह करो जैसा निर्देश दिया गया है या दिया जा रहा है. डूएस डायरेक्टेड, डूएस डायरेक्टेड कोई चैप्टर नहीं है. अब डूएस डायरेक्टेड में क्या चीजें आएंगी? अब यहां पे आएगा, देखो टेंस आ जाएगा, एक टेंस का सेंटेंस भी पूछ लेते हैं. फिर ज्यादातर कंजंक्शन. अब समझ नहीं पा रहे होंगे कि कंजंक्शन से कैसे पूछते हैं. देखो टेंस में कैसे पूछते हैं, टेंस में ऐसे पूछते हैं, वो कहेंगे भैया सिंपल प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में बदलिए. ऐसा होता है, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में बदलिए, पास्ट सिंपल का फ्यूचर सिंपल में बदलिए. तो ये तो हो गया आपका टेंस. ठीक है, नंबर दो हो गया आपका कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है? जैसे आपका सो दैट हो गया, सच दैट हो गया, टू टू हो गया, इफ अनलेस हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? कंजंक्शन हो जाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा यहां पे नाउन फॉर्म. क्या हो जाएगा? नाउन. ठीक है, नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा और एडवर्ब हो जाएगा. ये भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए उसी में आ सकता है. हो सकता है एक जंबल वर्ड आ जाए. जंबल वर्ड जानते हो, एक ऐसा सेंटेंस जो रीअरेंज करना पड़ता है, जो सेंटेंस अव्यवस्थित होता है. जैसे कि उदाहरण के लिए एक छोटा सा सेंटेंस बता दूं, जैसे कि यू शी ताजमहल द, और इधर आ गया कैन. तो क्या हो जाएगा इसका? यू सी ताजमहल द कैन. तो इसका सही क्या हो जाएगा? यू कैन सी द ताजमहल. तुम ताजमहल देख सकते हो. एक मैंने एग्जाम्पल बताया कि किस प्रकार से आप जम्बल वर्ड को कर सकते हो. कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह. ठीक है, ये हो गए. अच्छा, और भी इसमें आ जाता है कि नाउन क्लॉज को फाइंड कीजिए, नाउन क्लॉज को फाइंड कीजिए. ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, कौन सा क्लॉज है इसके अंदर.
अच्छा हो सकता है आपको कि नरेशन बनाने के लिए आ जाए, हो सकता है कि आपको नरेशन बनाने के लिए आ जाए कि यहाँ पे आपको नरेशन में चेंज कीजिए, ठीक है, ये भी आ सकता है। इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट, कभी भी आपको इस बात की परवाह नहीं करना है कि हमसे कैसे बनेगा, अगर धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आ ही जाएगा। अब देखो ये सब पूरा मामला अभी 5 नंबर का है, और 5 नंबर के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर 2 चीज़ें ग्रामर की आपके उसमें आती हैं, बाकी सब चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक से और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो होता है जिसे पढ़ के उत्तर देते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्ट, जैसे कि जिसे कहते हैं अनसीन पैसेज, हिंदी में कहें तो गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, एक्सट्रैक्ट। और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो ये हो गया, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका ऐसे आ जाता है, लेटर्स आ जाते हैं, एप्लीकेशंस आ जाते हैं, रिपोर्ट आ जाती है आपकी, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट बनाना आ जाता है आपका, नोट मेकिंग आ जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग आपकी कितनी अच्छी है, रीडिंग आपकी कितनी अच्छी है, अगर आप अनसीन पैसेज अच्छे से सॉल्व कर लेते हो इसका मतलब आपकी रीडिंग बहुत शानदार है, आपको समझ में आता है, इसलिए अनसीन पैसेज दिया जाता है। एग्जाम आपसे बदला लेने के लिए नहीं लिया जाता, एग्जाम आपका ज्ञान जांचने के लिए लिया जाता है कि आप पढ़ते कितना बेहतरीन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज अगर कर लो मतलब तो पढ़ना आता है, समझना आता है। फिर उसके बाद बात करें राइटिंग, तो पता चलेगा आपको एप्लीकेशन लिखना है तो आपने बिछड़ पिछड़ा राइटिंग लिख दी, इसका मतलब आपको नहीं आता, और आपने अच्छा लिख दिया मतलब आपका रीडिंग शानदार है। फिर ग्रामर की मतलब यह है कि आपकी स्टडी कितनी अच्छी है ग्रामर में, कैसी कमांड है, तो उसके लिए क्या है, ये पार्ट आ जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर कि आपको कितना याद है, कितनी आपकी मेमोरी है, आपकी मेमोरी कितनी है, उसको जांचने के लिए क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो जो भी हमारी एग्जाम होती है वो हमसे कभी बदला नहीं लेते, वो हमें कुल मिला के हमें चेक करते हैं, हमें तराश, हमें चेक करके बताते हैं कि हमारा स्तर क्या है, उस हिसाब से हम वर्क करते हैं। चलो अब हम इन सब चीज़ों को बाद में देखेंगे, पहले हम जो इस क्लास में चल रहा है स्पोकन वाली में वो हम देख लेते हैं। वो चल रहा है अपना टेंस, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, वो भी कब, इतनी सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। टेंस ऐसा है कि आपको अभी चल रहा है, ठीक है, बाकी हम सब चीज़ें बताएंगे आपको। चलो अब हम कर रहे हैं फिर से टेंस। टेंस तो आप जानते हैं काल होता है, काल मतलब समय, समय अवधि, अलग अलग समय में अलग अलग बातें हम करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, ठीक है, हर भाषा में करते हैं, अगर बात एक जैसी हो जाए तो समझ में नहीं आएगी। तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में सीधा हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं सब्जेक्ट प्लस V1, और पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस V2, और फ्यूचर में होता है सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस V1। बिल सेल भी होता है, सेल को गोली मारो बिल पढ़ो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, एक और होता है वर्ब फर्स्ट और SES, ये कब होता होगा, जब हमारा सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर, कोई थर्ड पर्सन, हम पढ़ चुके हैं ये सब बातें, इसलिए जब हमारा थर्ड पर्सन होता है, कोई भी सिंगुलर होता है, कोई भी नाम होता है। तो देखो अब जैसे कि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, आई यू वी दे ही शी इट और SN और PN, PN मतलब प्लूरल नंबर, कोई भी एक वर्ब पकड़ लेते हैं, कोई भी एक वर्ब पकड़ लेते हैं, मान लीजिए हमने एक वर्ब ले ली गो, मैं जाता हूं आई गो, तुम जाते हो यू गो, हम जाते हैं बी गो, बोलते जाओ बी गो, वे जाते हैं दे गो, वह जाता है ही गोस, थर्ड पर्सन कहा था ना, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन होगा कोई भी नेम होगा, तो वह जाती है शी गोस, वह जाता है इट गोस, थर्ड पर्सन ही है, कोई जानवर होगा, वस्तु होगी, ठीक है। वह जाता है मतलब वह मतलब राम श्याम, कोई नाम लिख लें सिंगुलर नंबर में, राम जाता है राम गोस, श्याम जाता है श्याम गोस, मोना जाती है मोना गोस, ठीक है। PN प्लूरल नंबर, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, चिल्ड्रन गो, गोज नहीं आएगा,
देखो मैंने क्रम से ऐसा नहीं लिखा मैंने कि गोज गोज वाले नीचे लिख दो, मैंने तो सब एक साथ लिख दिए, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये जो है ना आई, अब देखो पास्ट में आते हैं अपन, पास्ट में भी देखते हैं। तो मैं जाता हूं आई गो, और मैं जाता था आई वेंट, मैं जाता था आई वेंट, तुम जाते थे यू वेंट, हम जाते थे वी वेंट, वे जाते थे दे वेंट, इधर से लिखना पड़ेगा मुझे, दे वेंट, वह जाता था ही वेंट, वह जाती थी शी वेंट, वह जाता था इट वेंट, राम जाता था राम वेंट, और बच्चे जाते थे टीएन, मतलब अब देखो कोई दिक्कत यहां थोड़ा सा दिक्कत है कि कहीं ये ऐसे कहीं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम है, तो सब में देखो एक जैसा है, ठीक है। फ्यूचर में देखते हैं, जैसे कि मैं जाऊंगा आई विल गो, वैसे आई के साथ हम सेल लगाते हैं, ठीक है, पर स्पोकन इंग्लिश में चलता है, आई विल गो भी चल जाता है, ठीक है। मैं जाता हूं आई विल गो, तुम जाओगे यू विल गो, मैं जाऊंगा हम जाएंगे वी विल गो, वे जाएंगे दे विल गो, वह जाएगा ही विल गो, वह जाएगी शी विल गो, वह जाएगा इट विल गो, कोई भी कुत्ता बिल्ली भैंस बैल गधा बकरी कुछ भी, राम जाएगा या श्याम जाएगा, बच्चे जाएंगे, देखो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आ गया, अब हम इसी प्रकार कंपैरेटिवली स्टडी करते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। अब जैसे मैं नहीं जाता तो क्या हो जाएगा, यहां पे लगा देंगे डोंट, क्या लगा देंगे डोंट, मैं नहीं जाऊंगा आई डोंट गो, सॉरी मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता आई डोंट गो, मैंने जाऊंगा बोल दिया, मैं नहीं जाता आई डोंट गो, मैं नहीं जाता आई डोंट गो, और मैं नहीं जाता था आई डिडंट गो। देखो यहां ज्यादा नहीं बदल, यहां बदल रहा है, लेकिन पूरी वर्ब चेंज हो रही है, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है डेड, तो चूंकि सेकेंडरी फॉर्म लगा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, इसलिए वर्ब को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। पहले क्या लगा था, वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब किसका सेकंड फॉर्म लग गया, हेल्पिंग वर्ब का है। तो फिर अब दो दो बार सेकंड फॉर्म की क्या जरूरत है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा नाम है कृष्णा, ठीक है, ठीक है, मान लो उदाहरण के तौर पे तुम्हारा नाम है कृष्णा पटेल और तुम्हारी श्रीमती का नाम है मान लो श्वेता पटेल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग जब तक शादी नहीं हुई तब तक तुम कृष्णा पटेल रहोगे और वो श्वेता पटेल रहेंगे, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो फिर ऐसा बोल देते हैं मिस्टर एंड मिसेस पटेल, है ना, ऐसा बोल देते हैं, एक ही बार पटेल लगा देते हैं, दो दो बार नहीं लगाते, ये बोल देते हैं मिस्टर कृष्णा एंड मिसेस श्वेता पटेल। तो वैसा ही है कि भाई जब दो दो बार क्यों लगाना, एक बार लगा दो दूसरी बार बर्फ फ्री हो जाएगी, हमें तो बताना था पास्ट, काम तो वही हो रहा है, ठीक है। मैं नहीं जाता आई डोंट गो, और मैं नहीं जाता था आई डिडंट गो, मैं नहीं जाता था या मैं नहीं गया, दोनों में एक ही वाक्य बनता है, ये भी ध्यान रखना, मैं नहीं जाता था या मैं नहीं गया, दोनों में सेम वाक्य बनेगा, अंडरस्टैंड, यस। चलो तुम नहीं जाते यू डोंट गो, हम नहीं जाते बोलते जाओ वी डोंट गो, वे नहीं जाते दे डोंट गो, वह नहीं जाता ही डजंट, ही डजंट। अब देखो ऐसा क्यों, इसमें लगा था गोस, हमने इसका ईएस हटा के डू में लगा दिया, तो क्या हो जाएगा डज, तो और नॉट लगा दिया डजंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं कर रहे, अलग से कुछ भी नहीं ला रहे, क्योंकि यहां पे देखो तो मैंने बताया था कि वर्ब में एस ई एस लगेगा, लेकिन चूंकि ये डू है, अब ये डू है, अब डू में लगा देंगे तो इसे फ्री करना पड़ेगा ना भाई, और क्यों लगा रहे, क्योंकि सिंगुलर है, वह नहीं जाती सी डजंट गो,
यह नहीं जाता, इट डजंट गो, राम नहीं जाता, राम डजंट गो, श्याम नहीं जाता, श्याम या तुम, हम बच्चे नहीं जाते, चिल्ड्रन डोंट गो, ठीक है। चलो तो इसके भी आप बना के दिखाओ, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि इसका क्या बनेगा, ठीक है, इसका क्या बनेगा। यू वी दे ही सी और फ्यूचर का भी बताएंगे। एक मैं बता दे रहा हूं कि मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। चलो तुम लोग भी करके बताओ, ठीक।